आप लोगों को तो सीधे तौर पर इसको गलत कहना चाहिए। विष्णु शंकर जैन को टीवी पर जिस तरह बोखलाए हुए देख रहे हैं, असर्टिव होने और बोखलाने में फर्क होता है। झूठ पर झूठ बोल रहे हैं, असर्टिव। आप अगर मेरे पर पर्सनल अटैक करेंगे तो मैं भी पर्सनल अटैक करूंगा। मैं यहाँ पे आपसे डिबेट करने भी नहीं आया हूँ। नेट शायद यहाँ प्रॉब्लम है, नेट की। हाँ तो आराम से नेट प्रॉब्लम है, नेट वेट ले लीजिए, हॉटस्पॉट। ये बाकायदा पूरी वीडियो है, आप इसमें चालू करवा दीजिए, मैं दिखाता हूँ। हॉटस्पॉट लीजिए ना, बिल्कुल दिखाता हूँ। दिखाइए, नारे कहाँ लगाए, बिल्कुल दिखाता हूँ। नेट की प्रॉब्लम है, ये बात दो इनको, मैं दे रहा हूँ, वाईफाई दो दीजिए। आप इस बात को कैसे क्लेरिफाई करेंगे कि आप कह रहे थे पत्थरबाजी मेरे ऊपर हुई? एक विजुअल दिखा दीजिए, आपको पत्थर किसी ने मारा हो। मौलाना साजिद रशीदी जब भी डिबेट में आता है अपनी बेइज्जती करा के जाता है। आज तो वह धड़ल्ले से डिबेट में झूठ बोल रहा था, और जब विष्णु शंकर जैन ने उसके झूठ को पकड़ लिया तो उसका मुंह सुअर के जैसा हो गया। वीडियो बहुत मज़ेदार है, पूरा देखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चलिए देखते हैं आगे, पिक्चर चालू करो बे। सवाल ये है कि हिंदू पक्ष कोर्ट में गया है, कोर्ट से ही मामला होगा ना। ये 2000 लोग पहुंचे या वहां पर सर्वे करने, वो कोर्ट का आदेश है भाई। एडमिनिस्ट्रेशन इज ऑल्सो बाउंड, उनको कराना है। ऐसे में अगर वहां पर इतने सारे लोग पहुंच जाएंगे, ये होगा, ये कैसे सही ठहरा? आप लोगों को तो सीधे तौर पर इसको गलत कहना चाहिए। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूं। आप देख रहे हैं वकील की बौखलाहट को, आप देख रहे हैं अच्छी तरह। विष्णु शंकर जैन को टीवी पर जिस तरह बौखलाए हुए देख रहे हैं, असर्टिव होने और बौखलाने में फर्क होता है। झूठ पर झूठ बोल रहे हैं, असर्टिव होने और बौखलाने में फर्क होता है। दूसरी बात, मैं कोई नहीं बौखलाया, मुझे तो आप बौखलाए हुए लग रहे हैं, मुझे तो आप बौखलाए हुए लग रहे हैं। आप अगर मेरे पर पर्सनल अटैक करेंगे तो मैं भी पर्सनल अटैक करूंगा। मैं यहाँ पे आपसे डिबेट करने भी नहीं आया हूं। अच्छा सुनिए 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 सुनिए, देखिए ये कह रहे हैं कि जिस वक्त मैं जा रहा था मैंने नारे नहीं लगाए, किसी ने नारे नहीं लगाए। अब आप फिर कुछ निकाल के कहीं का पुराना दिखा दे, प्लीज भी कह रहे हैं। ये मौलाना साहब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। मैंने बोला मैंने नारे नहीं लगाए, झूठ। ये कितना बोलेंगे? दिखाइए जरा, दिखाइए कब का वीडियो। चलिए ये जो नारे लगे हैं ये किसने लगाए? एक मिनट मैं दिखा रहा हूँ आपको, देखिएगा। नेट शायद यहाँ प्रॉब्लम है, नेट की। हाँ तो आराम से, नेट प्रॉब्लम है, नेट वेट ले लीजिए। ये बाकायदा ये साथ में है, दिखाइए ना, सुनिए ना, नहीं दिखाइए मैंने नारे कहाँ लगाए, दिखाइए। आप हॉटस्पॉट इसमें, आप दिखाओ मुझे मैंने नारे कहाँ लगाए। ये है, ये पहले दिखाओ, आप हॉटस्पॉट लो आप मेरे से, हॉटस्पॉट दीजिए इनको। सुनिए सुनिए पूरी वीडियो है, आप इसमें चालू करवा दीजिए, मैं दिखाता हूँ। हॉटस्पॉट लीजिए ना, बिल्कुल दिखा, दिखाइए नारे कहाँ लगाए, बिल्कुल दिखा, दिखाइए नारे कहाँ लगाए, पहले ये बताइए। आप इतने नारे कहाँ लगाए, दिखाइए। बोलने क्यों नहीं दे रहे? मैं बोलूंगा तो बोल पाओगे? मैं कह रहा हूँ नारे कहाँ लगाए, कौन सा है? मैं पहले दिखाइए तो बोल पाओगे आप? कौन सा वीडियो दिखाई? नेट की प्रॉब्लम है, नेट नहीं चल पा रहा है। प्रॉब्लम है, ये बात दो इनको, मैं दे रहा हूँ। वाईफाई दो, दीजिए दीजिए, हॉटस्पॉट दीजिए, हॉटस्पॉट दीजिए। अगर मेरा हॉटस्पॉट चल जाएगा मैं दिखाऊंगा। सुनिए सुनिए सुनिए, दूसरी बात बताइए, नारे ये आज तक ये स्टूडियो में खड़ा और बोल रहा है नेट नहीं है। वाह रे मौलाना, लगे कहाँ? दूसरी बात, मैंने कहाँ नारे लगा ये बताइए। अरे इसमें नेट तो चलवा दीजिए, चलवा दीजिए। हमारी ड्यूटी थोड़ी ना नेट चलाने की, आपका नेट चलवा दीजिए, हमारी ड्यूटी आप पर नेट चलाने। आप बोल रहे हो, नेट चलवा दीजिए, मैं दिखाऊंगा। दिखाइए भाई। आपका 19 तारीख का ऑर्डर था, 24 तारीख का ऑर्डर नहीं था, क्यों गए आप? मैं क्लेरिफाई करूं, पानी निकालने का ऑर्डर नहीं था। पानी निकालने का ऑर्डर कहाँ है वो दिखा दीजिए चैनल पर, कि पानी निकालिए कहाँ ऑर्डर है दिखा दीजिए। दूसरी बात, आप इस बात को कैसे क्लेरिफाई करेंगे कि आप कह रहे थे पत्थरबाजी मेरे ऊपर हुई? एक विजुअल दिखा दीजिए, आपको पत्थर किसी ने मारा हो? एक विजुअल दिखाइए, आप एक विजुअल दिखाइए। अरे कहीं तो, आज तो सोशल मीडिया का जमाना है मेरे भाई, आज तो सोशल, आप बोलने नहीं दे रहे हो किसी को, आप तो बोलने नहीं दे रहे हो किसी को। देखो देखो बिल्कुल देखेगा, बोल रहे हैं जब आपके सर पे पत्थर पड़ेगा आप दिखाओगे? 10 लोगों को दिखाओगे? कहां से दिखाओगे? देखो पत्थर मार दिया मुझे। हाँ, तो आपको आप देखिए अंजना जी, पत्थर लगे आप बताओगे नहीं? पत्थर फेंकते हुए आपको पत्थर लगे बताओगे नहीं? हाँ, मतलब जब पत्थर लग जाता जब मुझे पत्थर लग जाता तब होता। हाथ लगा, आप पत्थर को बता रहे हैं? मैं आपको हाथ लगाऊंगा, मैं तो आपसे हाथ मिलाऊंगा। जब मुझे पत्थर लग जाता तब मैं आपकी वीडियो बनाता हूँ उस समय। आपके पास मतलब जब पत्थर चल रहे थे वहाँ पे 25,000 लोग गुम्बे चला रहे थे। ये जो बोलने नहीं दे रहे हैं, ये जो बोलने नहीं दे रहे हैं, इनका असर पत्थर ही पत्थर दिखाई, वो वाला विजुअल दिखाई जिसमें पत्थर ही पत्थर सड़क पे दिख रहे हैं। ये देखिए इतने बड़े बड़े पत्थर हैं, आपको क्या चाहिए और क्या चाहिए? ये सवाल देखिए, ये सवाल मैं कर रहा हूँ, ये नकाबपोश कौन लोग हैं मुझे बताइए, कौन है ये? वो तो चेहरे लग रहे हैं सबके पोस्टर। ये मुस्लिम नहीं है लड़के। अच्छा, मैं 100% कहता हूँ मुस्लिम नहीं है ये। अगर मुस्लिम होते नकाब डालने की जरूरत ही नहीं थी उनको, वो तो टोपी लगा के आते।
अच्छा हमको सिखा दिया है। अच्छा हाँ मैं दिखा रहा हूँ अंजना जी, एक मिनट देखिए। जय श्री राम का नारा विष्णु शंकर जैन ने, अरे सुनिए सुनिए, घरों की छतों से औरतें पत्थर फेंक रही है वो सब तस्वीरें हैं, कहाँ आप गुम है? तो फिर भी नहीं चल रहा है इसमें, अब आपका मोबाइल ही गड़बड़ है, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, झूठ है भाई, ये कौन सा औरत दे दिया? अरे किसी ने फेक वीडियो डाला होगा, डिलीट कर लिया होगा, नारा लगाया ही नहीं आप, एक बार पहले भी फेक वीडियो दिखा चुके हैं। आप झूठ बोल रहे हो, अब आप फिर साइड ले रही हैं? नहीं साइड वाइड नहीं ले रहे, दिखाइए। नहीं ये तो ये तो मैं क्या कर रहा हूं, जिम्मेदारी से कह रहा हूं, आज तक सोशल मीडिया पर लोग दिखाए, ये तो पब्लिक डोमेन पर है। जय श्री राम का नारा कहां लगाया? मैं ये डिबेट यही खत्म कर दूंगा, बाहर चला जाऊंगा और माफी मांग के बाहर जाऊंगा। आप झूठ बोल रहे हो, दोनों सवाल का जवाब दे दो, आप झूठ बोल रहे हो, जवाब ही दे रहे हो, कहां लगाया जय श्री राम का नारा आपके पास? भैया इनका इंटरनेट चलाओ, हॉटस्पॉट दो, वाईफाई दो, ये चलाओ, आप वीडियो निकालने का ऑर्डर दिखा दीजिए, ये चलाओ ना, आप झूठ बोल रहे हो, आप हमारी जिम्मेदारी है, आज तक पे आके बोल रहे हो आपका इंटरनेट ठीक करे, आप बोल रहे हो तो बताओ ना भैया, दिखा दीजिए ना अगर है तो, पत्थर मारा गया वो दिखा दीजिए, नहीं मेरे को, मैं कह रहा हूं फिर के जा रहे थे मेरे पे, अंजना जी अरे साहब आप कैसे कैसे लोग लाए हो, आप वीडियो ही नहीं दिखा पा रहे हो, अब क्या करें, आपका आपका ये सीसीटीवी नहीं चल रहा है, बताए क्या करें, सीसीटीवी सॉरी, ये देखिए ये घर से एक महिला दिख रही है, एक महिला दिख रही है पत्थर मारते हुए, ये बताइए ये फोटो क्या है? अरे देखिए ना उधर, ये क्या है, ये कौन है? औरत, आप बोल, आप बोल, आप बोल, आप बोल, पत्थर फेंक रही है, लेडीज है वहीं पे घर से पत्थर फेंक रही है, लेडीज है, वाह सबको दिख रही है, गोली जो लगी है वो भी तो दिखाएंगे, पांच लड़के मर गए, पांच लड़के गोली से मर गए, वो कौन किसने मार दिया, किसकी गोली से मर गए, ये भी दिखाइए ना, कह रहे थे अभी सारे हिंदू आ गए थे, मुस्लिम लड़के नहीं, इस लेडीज को जब पकड़ा गया वहाँ लेडीज पुलिस नहीं थी, अब देखिए मर्द पुलिस पकड़ के लाई, अच्छा पत्थरबाजी गलत नहीं है, मर्द पुलिस पकड़ी वो गलत है, कानून है ये, कानून है ऐसा, कोई बताइए, कानून तो है ही कि ऐसा नहीं होना चाहिए, कानून नहीं है जो परिस्थिति बनी, और इसके घर की तोड़फोड़ हुई, इसके घर के दरवाजे तोड़े गए, इसकी इसकी वॉशिंग मशीन तोड़ी गई, इसकी फ्रिज तोड़ी गई, इसके बेड तोड़े गए, विष्णु शंकर जैन साथ में है और जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, पहले बोला मैंने जय श्री राम के नारे लगाए, यही बोला ना, आप सबने सुना, आप सबने क्या सुना, अभी दिखाइए जय श्री राम के नारे मैंने कहा लगाए, आप तो लगवा रहे थे, मैं लगवा रहे थे, आप लगा रहे थे, आप लोगों को पता नहीं, लोगों को लेके आप अंजना जी के शो में, एक मिनट हम अंजना जी के शो में, हम अंजना जी के शो में, एक मिनट चुप रहिए, हम अंजना जी के शो में, मैं पूछ रहा हूँ ये नारे कितने बजे लगे, ये बताइए रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार होंगे कि ये नारे कितने बजे लगे, ये बताइए आप, ये नारे कितने बजे लगे, अबे साले, अबे साले, अबे साले, अबे साले, गलत बात बोल रहा हूँ आज तक पे, और आप उनको मना गलत बात बोल रहा हूँ, आप उनको वहाँ पे पत्थर चल रहे हैं, लोगों को रोकूंगा, आप क्या बात कर रहे हो, अभी आप कह रहे थे ये नारे लगा रहे हैं, अल्लाह अकबर के नारे लगा बोल रहे थे, अरे आप बीच में क्यों बोल रहे हैं, आप क्यों बोल रहे हैं, उन्होंने क्या कहा, अच्छा इनका नाम नहीं लिया, इनका नाम नहीं, आपने हाई स्पीड में यू टर्न ले लिया, गुनाह है और आप गलत कह रहे हैं, आप पर्सनल अटैक कर रहे हैं यहाँ, अरे इनके साथ में लोग, इन्होंने मना नहीं किया उनको, अब वहाँ पे अंजना जी पत्थर चल रहा है, मना करना चाहिए, वहाँ पे पत्थर चल रहा है, वीडियो है, उसके बाद आप यहाँ पे एक मिनट नहीं रुकेंगे, कोर्ट वाली पहुंचेंगे, जो लोग नारे लगा रहे हैं मैं उनको बोलता, भैया बिल्कुल बोलना मैं तो आज तक के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि विष्णु शंकर जैन पर केस होना चाहिए, इस बात के लिए केस होना चाहिए, और मैं केस जाऊंगा, मैं कोर्ट जाऊंगा आपके खिलाफ, मैं जाऊंगा आपके खिलाफ, यहाँ बताइए क्या, मैं बिल्कुल कोर्ट जाऊंगा आपके खिलाफ, जाइए तौर पर जाऊंगा, मैं तो कह रहा हूँ यहाँ पे क्यों बोल रहे हैं, एसोसिएशन आपके ऊपर केस करेगी, इस बात से हम कोर्ट जाएंगे, आज तक पहले चले गए होते आप, आपके ऊपर केस होगा, चलिए आगे बढ़ गए, करिए केस, बिल्कुल केस करिए, 101% केस करूंगा, मैं भी करूंगा आपके ऊपर, बिल्कुल देखिए मैं करूंगा, साहब रिकॉर्डिंग है मेरे पास, मैंने नहीं नारा लगाया, हां मैं बोल रहा हूं मैंने नारा नहीं लगाया, लगाने वाले को मना नहीं कर रहे हो, आप कह रहे हो मैंने नहीं लगाया, नारा नहीं लगाया, इसका क्या मतलब हुआ, तकबीर अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे हैं, तब आप रोका क्या उसका, आपके साथ में है, बोला एक बार भी आके लगा के आपके साथ चल रहा है, ऐलान कर रहे हैं मजिस्ट्रेट, आपके कानों में आवाज नहीं गई, जबर साहब मना कर रहे थे, आपके कानों में आवाज नहीं गई, जबर साहब पत्थर चल रहे थे, बताओ जेस को बताओ कि जबर साहब ने ऐलान किया नहीं मजिस्ट्रेट, माइक से कहा कि शांति बनाए रखो, हत्याकांड बचा हुआ था उसके बारे में कुछ नहीं, अरे मैं पूछा जबर साहब ने ऐलान किया कि नहीं मजिस्ट्रेट, जबर साहब ने ऐलान किया मजिस्ट्रेट के नहीं, शांति बनाए रखो, अरे जवाब दे दे इसको, आपको किसने रोका केस करने से, चुप रहने वाले, मैं आपको एक बात, सुनो, अंजना जी सुनो, अरे आप चुप,
साजिद रशीदी को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि वो किसी कॉमेडी सर्कस का जोकर है। वो जब भी डिबेट में आता है अपना व्हाट्सएप ज्ञान लेकर के आता है और पूरे डिबेट में वो झूठ परोसता रहता है। आज की डिबेट में उसने सबसे पहले विष्णु शंकर को जैन को कह दिया कि ये जय श्री राम के नारे लगवा रहे थे। जब उसको साबित करने के लिए बोला गया तो उसका नेट फेल हो गया। ये बहुत ही गजब की बात है कि वो व्यक्ति आज तक के चैनल पे खड़ा है और उसका नेट काम नहीं कर रहा है, औरों का काम कर रहा है उसका काम नहीं कर रहा है। जब इस बात की सत्यापन हो गया कि विष्णु शंकर जैन नारा नहीं लगा रहे थे तो उसके बाद एक और उसने झूठ बोला कि जितने भी दंगई वहां आए थे वो सभी मुसलमान नहीं थे। जब इसका भी सत्यापन हो गया अब उसका कहीं से कुछ नहीं चलने लगा तब फिर वो केस करने की धमकी देने लगे विष्णु शंकर जैन को। विष्णु शंकर जैन खुद एक वकील है और इसकी क्या औकात उसके सामने ये खुद भी जानता ही होगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर से नई वीडियो में कुछ नए मुद्दों के साथ। लेते हैं आपसे विदा, धन्यवाद।